नेक्स्ट कॉलर हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ संदेश, स्वागत है आपका। हाँ, मेरी ना दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 5-6 महीने से ना मेरे को गले में बहुत ज्यादा खांसी थी, तो मैंने 3-4 ENT वाले को दिखाया तो कोई दवाई का इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको एसिड बनता है और आपके गले में ना छाले पड़ गए हैं, ठीक तो है। वो छाला की वजह से आपको खांसी आती है। तो इन सबसे पूछना है कि कोई घरेलू ऐसा नुस्खा बताओ, एसिड भी ठीक हो जाए और मेरे छाले भी ठीक हो जाए। और एक दूसरी प्रॉब्लम और है, मेरा बेटा है बॉम्बे में रहता है, वो हमारी फैमिली में है बचपन से ना, उनको जैसे सीजन शुरू होता है तो गला खराब हो जाता है। आगे से उसका बेटा, उसका भी सेम पोजीशन है, तो कोई ऐसे ही बताओ जैसे कि उसका गला वगैरह जो है उसका भी और उसके बेटे का फर्क ना पड़े। मैं चंडीगढ़ हूँ और वो बॉम्बे में। आप भी 5 बार गर्म पानी पिए रोज़ाना, और ऐसा गर्म जैसे चाय पीते हैं, तो बग़ैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो अभी बता रहा था मैं। आप देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, मेथी, थोड़ा सा बतलाया मैंने, सौंफ, सौंठ, जीरा, मेथी 200-200 ग्राम लें, रॉ मटेरियल लें। और एक आता है नमक, कलौंजी का, कलौंजी जो किचन में रहती है, इसका एस्टेक होता है, वो बहुत असरदार होता है। ये नमक कहते हैं लेकिन ये नमकीन नहीं होता, इसमें 150-150 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं, और आप भी खाएं और आपके बच्चे को भी भेज दें बना के, और ये ख़त्म होने तक आप दोनों के रोग ख़त्म होना मुमकिन है। नुस्खे अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। दर्शकों, जब आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। एक एक बात का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आपको याद होंगी चीजें, जब आप लोग लिख सकेंगे तो लिख लीजिए एक एक बात। बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दर्शकों, कभी भी 24 आवर्स हकीम साहब से बात कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप लोग जब शिकायत करते हैं तो फिर ये जो कीमती वक्त होता है ना दर्शकों, ये कीमती वक्त निकल जाता है, फिर आपकी बात नहीं हो पाती है। आप सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई भी रोग संबंधी अपना प्रश्न कर सकते हैं, कीमती नुस्खे आप लोग जान सकते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हकीम साहब, संक्रमण और महामारी को लेके, तो एक चीज़ यहाँ पे सुनने को आई थी कि जिनको पहले से ही बीमारियाँ हैं वो अपना ख्याल ज़्यादा रखें, क्योंकि उनको ये महामारी या संक्रमण बहुत जल्दी अपना असर दिखा सकती है, उनको पकड़ सकती है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये बात सही है आपने सुनी, जी और जिसको जो रोग है, देखिए डायबिटिक आदमी को इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, और मेरी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा होगा। जी जिसको जिसको जो रोग है उसका और ज़्यादा ख्याल रखें, और जो लंग्स के यानी फेफड़ों के जिनको रोग हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। किडनी के जो रोग हैं, रोगी हैं, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी एक ऐसी ताकत है जो किसी देश के फौज जैसे होती है, ऐसे इम्यूनिटी हमारे जिस्म के अंदर, हमारी जिस्म की हिफाजत के लिए फौज है। अब ये जो हम बैठे हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो कीटाणु ही कीटाणु हवा में उड़ रहे हैं, हमारे हाथों पर अगर हम वो देखें ना उससे खुरबीन से, तो ऐसा लगा डर जाएंगे, इतने कीटाणु होते हैं। हमारे अंदर एक फौज है जो इनको ख़त्म करती है, अगर ये अंदर दाखिल हो जाए तो वो फौरन ख़त्म कर देती है इनको। इसको इम्यूनिटी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ा लीजिए। इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, मैं भी अक्सर बताता हूँ, रईसों के लिए शिलाजीत 0.5 ग्राम असली होनी चाहिए, नकली बहुत मिलती है, उससे ज़्यादा, उससे इतने रईस नहीं है, आम आदमी है मेरे जैसे, तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से, ठंडा पानी छोड़ दे जब तक ये महामारी चली ना जाए। ये इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग दवाएं हैं। एक कलौंजी प्राश है, अखरोट प्राश है, ये दवाएं आप लें जब तक महामारी ना जाए, अपनों को और खुद को भी इससे हिफाजत के दायरे में लाएं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। डिंपल राय हैं आजमगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते जी। नमस्कार।
मेरी मम्मी की कमर में बहुत दर्द रहता है मैम। तो बच्चा एक दवा जो इतनी मशहूर है वो एक रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं गौंसिया। मैंने ये बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा दी, मिलती मुश्किल से है, नकली भी मिल जाती है, असली हासिल करें, आधा आधा ग्राम मम्मी को खिलाएं और आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम भी आपने अगर ख़रीद लिया, असली लेना, बस कड़वा होता है बहुत और बहुत बुरा सा रंग होता है, बुरा जायका होता है, लेकिन ये दवा, ये रॉ मटेरियल ऐसा है कि आपकी मम्मी की पूरी जोड़ों की, कमर की, नसों की, हड्डियों की सारी रिपेयर करता है और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले पहले आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं आकाश, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आकाश जी आपका। हेलो। हाँ जी बताइए, सवाल कीजिए। मैं जी से बात हो रही क्या? हाँ जी जी, आदाब बताइए। आदाब आदाब बताइए। किस चीज सर्वाइकल? सर्वाइकल का बगैर दवा के भी इलाज है और दवा भी कभी लेनी पड़ सकती है, और सबसे बड़ा इलाज है सर्वाइकल का फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ये आप करते रहे पूरे दिन, वैसे 2-4 मिनट तो ज़रूर होनी चाहिए, और एक ऐसे 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 पूरा मोड़ दीजिए और यहाँ तक लाइए, यहाँ तक देखिए, ये सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज है। और वज़न उठाने से परहेज़ करें, बगैर दवा के भी उनका ठीक होना मुमकिन है, और ज़रूरत पड़े तो आप दवा भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2-2, 4-4 मिनट एक्सरसाइज एक दिन में होना ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिनेश हमारे साथ, स्वागत है दिनेश आपका। हेलो। हेलो दिनेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, अपना सवाल कीजिए। हकीम जी। जी आदाब। मैं सर सयापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी उम्र 50 साल की है, असल मेरे मुंह में छाले हर 15 दिन हो जाते हैं। अच्छा, एज बताइए। 50 साल। अच्छा, पेट ठीक रहता है आपका? पेट सर रहता भी है, ठीक नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आसान इलाज है, कलौंजी का नमक मिलता है, मुश्किल से मिलेगा, एस्टेक होता है कलौंजी का। कलौंजी एक वो काली सी चीज़ है ना, जिसे हम सबसे कम यूज़ करते हैं किचन में, उसका एस्टेक होता है, उसका जो रसायन निकाल लेते हैं उसको एस्टेक कहते हैं। तो वो रसायन ले लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लें और 2 चुटकी रोज़ाना 1 गिलास पानी में डालें और पी जाएं, एक बार या 2 बार। और ये नमक कहलाता है लेकिन नमकीन होता नहीं है, हल्का ऐसा खारा पानी जैसा इसका जायका होता है जब पानी में आप मिला लेंगे, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने तक आपका ये बीमारी जाना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से, ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बताइए, सवाल कीजिए। अरे जी, मेरा ना हार्ट की पंपिंग बहुत कम है जी। जी, और तो इसके लिए कुछ इलाज? एज बताइए पूरी। 58 है जी सर। अच्छा, कब पता चला आपकी पंपिंग कम है? डेढ़ साल पहले पता लगा जी, मुझे बुखार हो गया था टाइफाइड, उसमें फिर पता लगा जी हार्ट की पंपिंग की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, आप खूब अपना ख्याल रखा करें, बहुत कीमती हैं आप अपने परिवार के लिए, और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हर शख्स को अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। और देखिए, एक नुस्खा मैंने हर प्रोग्राम में तकरीबन बताना पड़ता है क्योंकि इतने मरीज़ हैं हार्ट के, इससे फ़ायदे बहुत हैं। देखिए, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर, और 1 लीटर जैतून का सिरका खरीदिए और इन सबको मिला दीजिए, 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच शाम को खाने के बाद, ये तकरीबन 5 महीने चलता है। और ये लिक्विड जब आप बना लेंगे और ख़त्म होते होते आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अभिमन्यु हमारे साथ, स्वागत है अभिमन्यु आपका।
हाँ जी नमस्ते जी, नमस्कार जी आदाब जी, हमको पेट प्रॉब्लम है, ठीक है जी, पेट का प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनता है और एसिड रिफ्लेक्स है, ऊपर की तरफ आता है और गाला में इन्फेक्शन की तरह हो जाता है और टॉयलेट सही नहीं। ठीक है, शायद कल भी आपने फोन किया था, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। देखिए, धनिया आप लिख लें, धनिया, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, 200-200 ग्राम लीजिए और 150 ग्राम इसमें मिलाइए कलौंजी का नमक, आसान जबान में कलौंजी का नमक या कलौंजी का रसायन कहते हैं या कलौंजी का एस्टेक कहते हैं इंग्लिश में, ये उसका रसायन निकाल लेते हैं कलौंजी का, ये बहुत तेज़ होता है और नमक कहते हैं लेकिन नमक नहीं होता, इसको आप उसमें मिला दीजिए। इस सफूफ घर में बनाए, रॉ मटेरियल लेना है, इसको आप खाना शुरू करें, 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम, और गर्म पानी 5 बार पिए। देखिए, इससे फ़ायदा तो फौरन ही होने लगता है खाने के 1 घंटे आधा घंटे के बाद, लेकिन आपको इसे पूरा जो मैंने नुस्खा बताया 900-950 ग्राम का, ये ख़त्म होने तक आप खाते रहें ताकि ये बीमारी दोबारा से ना लौट सके जी। नेक्स्ट कॉलर है लखनऊ से, अभिषेक हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हेलो मैम नमस्ते, मैम सर नमस्ते जी। जी आदाब सर, वो मेरे भाई के जो है बाई तरफ जो है स्वेलिंग है होंठ पर, है ना मैम, तो उसमें उसको दिक्कत हो रही, कई दिनों से लगातार ये स्वेलिंग है, तो मैम इसके लिए क्या कर सकते हैं जी? मैं समझा नहीं, स्वेलिंग हो रही है होंठ पर? जी सर। अच्छा, देखिए इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है जो आप इतने परेशान हो गए, लोकल डॉक्टर से भी कोई दवा ले सकते हैं स्वेलिंग की, और अगर 2-4 दिन से है तो कोई भी दवा आप लीजिए, और अगर किसी सूरत नहीं होती फ़ायदा तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग पुराने पेशेंट को ज़्यादातर बताते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये कहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आती है जिसे कलमी शोरा कहते हैं, कलमी शोरा, वो आप ले लीजिए और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, उनके खाने में मिलाकर पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सोनू स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए सवाल कीजिए। मेरे माँ का जो है एज लगभग वही 55 होगा, ठीक है, और उनके कमर में दर्द रहता है, कब्ज है और गैस का प्रॉब्लम है जी। कमर से नीचे जो है ये पैरों में तक दर्द रहता है जी। ठीक है, अच्छा कब्ज का इलाज आप खुद करें, एक एक इलाज करें, और दर्द का इलाज मैं बता देता हूँ, इनको बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ मत दें, कुछ इलाज अपने लोकल डॉक्टर से कराएं, कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो गौंद सियाह है, गौंद सियाह एक काले गौंद को कहते हैं, ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल में से एक होता है, जो बहुत ही मामूली सी खुराक यानी आधा ग्राम अगर सुबह और शाम लिया जाए खाने के बाद, तो ये दर्द का दुश्मन है, लेकिन काम करता है 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगर आप संयम इतना रख सकते हैं। वैसे कोई रास्ता भी नहीं है, कितनी दवाएं खाएंगे दर्द की जो फौरन फ़ायदा कर देती हैं, ज़रूरत पड़े तो वो भी ले सकते हैं साथ में। और इनको ये इस तरह देना है, क्योंकि ये पेट के रोगी हैं, कि इसका ये रॉ मटेरियल लीजिए, पाउडर बनाइए और इसका आधा ग्राम समझ लीजिए, आधा कैप्सूल या एक छोटी टैबलेट के बराबर, और अरंडी का तेल होता है मार्केट में मिलता है, अरंडी का तेल कहिए या कैस्ट्रोल ऑयल, वो 1 चम्मच लीजिए
या दो चम्मच और इसको इसमें मिलाइए और मम्मी को पिलाइए। तो ये अरंडी का तेल उनके एसिडिटी गैस कब्ज को दूर करेगा और ये आपके मम्मी के जोड़ों की कमर की नसों की पूरे बॉडी की मरम्मत करेगा। लेकिन सब्र करना ये, लेकिन 100-200 ग्राम ये गोंद और ये ले लेंगे ना आप अरंडी का तेल, ये ख़त्म होने तक आपकी मम्मी आपको बड़ी दुआएं देंगी, बड़ा आशीर्वाद देंगी जब उनको तबीयत अच्छी हो जाएगी। जी।